हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और बस यहाँ पे अभी हो रही है सुबह, उठा के कंबल निकाल दूंगी तो खा उसको ढककेगा तो सड़ जाएगा। वो तो सड़ा नहीं तो उसके अंदर तो मिट्टी भी थी। अरे चल, सड़ा ही तो कीड़े पड़ जाएंगे उसमें पागल। अभी ठंड का मौसम है तो वैसे सड़ जाएगा। अगर हम खाने को बाहर रख दें तो खाना बाहर सड़ता है ना, फ्रिज में तो सड़ता नहीं। और क्या है ना, तो जहाँ तक मेरे को पता है कि हमने गर्म स्वेटर पहन रखे हैं और रजाई वजाई ओढ़ रहे हैं तो ठंड हो चल रही है। ऊपर जो है ना, ऊपर गर्मी इतनी हो रही है ना धूप में। मेरे को लग रहा है कोई मेरे से कुछ दिन कल सुबह ही बोल रहे थे कि ना ऊपर पता है इतनी ओस पड़ती है रात को कि पूरा दिन रात को ओस ही पड़ती है, बस और कुछ ना है। इतना दिमाग मत लाओ, वो अपने आप सड़ जाए। सड़ने दे उसको, सड़ना सड़ जाएगा, नहीं सड़ेगा नहीं सड़ेगा। इतना दिमाग टेंशन मत लो, खाद ला के रख रहे लो और डालो, पौधे उगाओ। और वो देखा नया गुलाब जो लाई थी उसमें नई नई कलियाँ आ गई हैं, एक दो। और वो पुराने में आ रही है, नए वाले गुलाब में भी आ गई हैं कली। हाँ उसको ना थोड़ा खोद दो साइड से। क्या कुछ मीठा खाने को मिल गया? तुम्हारा तो दिल्ली का थरा है बनाने को, कभी ये कभी वो कभी वो। हलवा बना दो सूजी का। मैं नहीं बना रही है हलवा, अब खाने का समय हो रहा है, हलवे का समय हो रहा है। ठीक है तो मैं बना रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है बनाने की। बनेगा? नहीं, मैं मना कर रही हूँ। गुन्नू नहीं बनाना, नहीं नहीं बनाना बेटा, यू 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 मत कर। आज का टाइटल ले लेगा कि ना। हाँ खाना, आज खाना बनाया गुनू ने। गुनू रहने दे, देखो यहीं पे सूजी पड़ी है। ये सूजी भी मैं ला के रखी है मार्केट से, प्रसाद वगैरह बनाने के लिए रख रखी है। हलवा बनाने चलती गुनू। ये बता, ये कहाँ कट रहे हैं? क्या हाँ पता नहीं क्या कर रही है, मना करते करते बन रहा है ना। कितना मना कर रही हूँ, खुद ही बनाने चल दी है। अगर आपको खाना बनाना आता हो ना तो आप कुछ भी बना सकते हो। हाँ हाँ, मतलब घर लौटा दो तुम तुम्हारा है ना। मैंने सोचा था अब नहीं बनाऊंगी, अब देखो हम खाने अब क्या कर रही। बादाम काटने लगती हाँ। मतलब आज जानता रहा वो बनाई है तू। इतने सारे तो बादाम, बहुत सारे जाएंगे ना, बादाम को इतने खाएगा नहीं, फिर वो बादाम ही बादाम आते हैं। बड़े पापा से सीखूंगी मैं बादाम खाना। हाँ अभी बना खिलाएंगे तेरे को बादाम का। नहीं वो मेरे को सिखा देंगे, कह देंगे कि हाँ चल तू बना मैं बता दूंगा। कोई नहीं। गुनू स्मेल कहाँ से आ रही है? ज्यादा गर्म कर देते तेल में, घी की स्मेल फैल रही पूरे घर में है। अब पूरा किचन का सत्यानाश कर दिया तूने। एक अभी तो हलवा बना नहीं है, अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या मुझे चीनी कितनी लेनी लेगी बता मुझे? एक चम्मच चमचा। सूजी कितनी ली है? कटोरी। हाँ तो उसी से नाप लो ना। पहले तो किचन को हमेशा समेट के काम करना चाहिए, किचन को फैला के काम करती है, तहस नहस कर रखा किचन पूरा, उसे थोड़ी सी ज़्यादा। चलो बस अब इसको उबालने रख दे, डिब्बा मारने मत डालिए क्योंकि अभी मांझ के रखा ना डिब्बा। हाँ कटोरी बढ़ा दे उसके अंदर। इलायची आज तो मतलब टेस्टी बना के रहे छोड़ी के हलवे को तो है ना। और क्या क्या तैयारी कर लिए? और अब ना किचन ना फिर साफ करके तब बनेगी हलवा। ऐसा लगा घर में ना इस किचन पे ना पता नहीं कितना काम हुआ है, तेज से काम कराना मतलब किचन को फैलाना। इलायची कट रही है बस बस ज़्यादा मुझे लाल इलायची इलायची का फ्लेवर आता था वो भी। और छिलके भी
छिलके कौन खाएगा हलवे में? नहीं छानूंगी ना इसको, छानेगा नहीं है, नहीं छानेगा। मैंने तो काम मत करवाना ना, अब निकाल कर फेंक देंगे उसको, क्या सूखने लगते हैं, चाय में डल जाएंगे बाद में। पहले डिब्बी बंद कर, घी उगड़ा हुआ, डिब्बा उगड़ा हुआ, ये डिब्बा उगड़ा हुआ। चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, चल चल रहा है, चल क्या रहा है, चिका चला है, चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या चला है, क्या चला है, चल चल चल। हाँ ये लो कहीं का डिब्बा कहीं। अब किचन ये देखो छलनी क्यों रखी है, उठाना मत। हाँ तो उठा के रखो तुम। अच्छा ड्राई फ्रूट्स भुने जब भी, मैं कहूँ घी घी की स्मेल क्यों आ रही है भैया? तुम तो ना सच में घी को ना एक महीने में उड़ा के रख दो सारा का सारा, एक महीने से पहले पहले। ओहो ओहो ओहो, ये देखो रहने दे उसको, सीधे निकल जाएगा वो। क्या नहीं डाल दे, सारी किशमिश, सारी किशमिश डाल देना अलमारी खुली है, ये अलमारी खुली छोड़ दिए हो जान दे। काट के कौन डालता है भाई किशमिश को, अबे पागल ऐसी डाल, बहुत सारी जब और ये पड़ी हुई इसमें एक रह गई है। हाँ भैया मैं चली जाऊँगी ना घर में, एक दिन बताने कितने तो उल्टे सीधे काम होंगे, ये पंजे रख दो पानी कम रहेगा, जितना सूजी उससे 3 ग्राम पानी, कम से 2 कटोरे पानी डल जाएगा इसमें आराम से। ये खड़ खड़ कर पंखा भी चला दिया है। चलो और बिल्कुल मंदी आंच में भूनो सूजी ताकि अच्छी बने। मेरे को बनाने दो अब, बस मेरे को डर है ना मेरे सब घर मेरी कोई चीज़ का नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैं खड़ी हूँ गिद बन के। इसको हैन देना और खाना बना, वही रोटियाँ बनेंगे खाली, हलवे से कोई पेट भरेगा? मार वहीं रख, वहीं रख, वहीं वहीं रुक जाओ। सूजी रख, क्या सूजी रखे पहले, फिर मेरे को बोलेगी ये कर खा वो कर। हाँ अब किचन, अब थोड़ी किचन सही लग रही है ना, साफ सुथरी हुई है। बना रही है विशाखा हलवा, तो यहाँ पे ले लिया इसने सूजी और ये ले लिया है पानी, चाशनी का, चीनी का, और ये सूजी भुनेगी। सूजी भुन लीजिए मंदी आँच पे, थोड़ा घी और डाल लो इसमें ताकि तुम्हें बीच में डिस्टर्ब ना हो, बिल्कुल धीमे आँच पे भूनना बस। हलवा जलना फूकना नहीं चाहिए, समझे कि नहीं समझे? समझ गए और समझाऊँ? थोड़ा और डाल दो, जब हलवा बना ही रहे हो तो बिल्कुल कंजूसी से मत बना। बस 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 बस, हाँ हाँ मैं पता है, मैं कहूँगी बस तो एक्स्ट्रा डालेंगे। चलो बनाओ हलवा, गैस की जलेगी तभी तो हलवा बनेगा। अब देख, अब किचन साफ, ये लो मंदी आज भूनो, भूनता रहेगा। तो भाई आज विशाखा बना रही है हलवा, तो देखते हैं टेस्ट कैसा आने वाला है। विशाखा ने पहले कभी नहीं बनाया हलवा, आज बना रही है। नहीं बनाया बनाया है शायद, एक आध बार बनाया होगा, हमने क्या पता, हमने तो खाया नहीं। कितनी बार बनाया, कितनी बार मम्मा भूल गए, मम्मी आप भूल गए कितनी बार बनाया मैंने। अच्छा तो भाई कहाँ तक पहुँचे जाने, अरे बन भी गया। गुन्नू तूने सफेद सफेद क्यों बनाया था आपको लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा, बना ही सफेद चिट्टा एकदम गोरा चिट्टा। अब इसमें क्या डाल के देख रही है? हाँ सही है, चल चीनी। तो भाई हमारा विशाखा ने बना लिया हलवा, हमारा विशाखा क्या बोल रहे हो भाई, हमारी विशाखा ने कर लिया हलवा रेडी। तो वो लगा लेगी पहले काना जी को, पहले काना जी खाएंगे तो उसके बाद हम खाएंगे। काना जी ना तो खाने में स्वाद नहीं आता, जब तक काना जी भूख लगाए ना खाने में स्वाद नहीं आता है ना गुनू। ये हकीकत है कि काना जी का अगर भोग लगा के तुम खुद खाओगे तो खाना वाकई में ही स्वादिष्ट लगेगा।
वो भी हलवा में शाखा ने बना दिया है, लेकिन खाएंगे जब पहले कान्हो जी को खिलाएंगे खाएंगे, क्योंकि खाना स्वाद जब ही लगता है जब कान्हो जी का भोग लग जाता है, तो खाने में स्वाद। बोलो राधे राधे, श्री राधे, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोलो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे शेयर जरूर करें। और हम खा लेते हैं हलवा, और बस ये विशाखा ले आई सबके लिए हलवा, देखे कितना तो मस्त बना है। और आइए आप भी खा लीजिए, है ना? करते हैं इसी के साथ मोटा तगड़ा नहीं होना, घी खा के भैया अभी हिसाब से घी खिलाओ, वैसे मोटे होते जा रहे हैं और इतनी चर्बी ले कहाँ जाएंगे, हमें कौन खिलाएगा? कल को पलंग पकड़ लिया तो हमें तो कोई नहीं खिलाने वाला, इसलिए हमें घी कम खिलाओ।